हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम डॉक्टर मधुर थवानी है, मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आज हम लोग पांच एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे जो हर एक एडल्ट को, हर एक सीनियर को करनी चाहिए अगर उसको अपने घुटनों, बैक, नी, शोल्डर्स को बचाना है किसी भी तरीके की आर्थराइटिस से या मसल प्रॉब्लम से। सो अगर आप ये पांच एक्सरसाइजेस डेली करते हैं, देन यू कैन प्रिवेंट मेनी इंजरीज इन योर नीज, बैक एंड शोल्डर। सो प्लीज वॉच इट। पहली एक्सरसाइज जो है वो है शोल्डर्स के लिए, जिसमें आपको स्टिक या पाइप यूज करके पांव ब्रॉड खड़े रह के हाथ को धीरे से ऊपर लेके जाना है, जितना पीछे लेके जा सके और वापस। ट्राई कीजिए, जब आप ये करते हो तो ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए, जितना हो उतना ज्यादा ब्रीद कीजिए। जैसे होल्ड किया, वापस से सेकेंड एक्सरसाइज जो है उसमें आप अगेन रॉड रखेंगे, ये कमर के लिए है। बेल्ट एरिया या जहां पे हिप शुरू होते हैं उधर हाथ रख के, पांव रॉड रख के सीधा देख के पीछे झुकना है, गर्दन को ऊपर नहीं करना है। पांच सेकेंड होल्ड करेंगे तीन बार, वापस से ब्रॉड रख के कमर पे हाथ रख के लास्ट टाइम। ओके, तीसरी एक्सरसाइज जो है वो बैठ के करनी है। क्या होता है, घुटनों में दर्द की वजह से या कमर के पेन की वजह से आपका उठने का ढंग बदल जाता है, तो उसके लिए रेगुलरली प्रैक्टिस जरूरी है। सपोर्टेड चेयर पे बैठ के पांच बार हमेशा रोज सीधा उठने की कोशिश कीजिए और सीधा बैठने की। बिना सपोर्टेड खड़े होने की जरूरत नहीं है, सपोर्टेड स्लोली खड़े हो जाएं सीधे और स्लोली बैठें। ओके, चौथी एक्सरसाइज जो है वो है वॉकिंग। आपको साइड वॉक करना है, मतलब आप कहीं भी साइड पे पकड़ के अगर कॉन्फिडेंस है तो बिना सपोर्ट के भी आप कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि अगर आप 10 बार राइट साइड जाते हैं तो 10 बार लेफ्ट साइड भी जाएं, ठीक है। पांचवी एक्सरसाइज जो है सिंपल है, जो काफ मसल्स के लिए या पिंडियों के लिए होती है। सपोर्टेड रह के अगर साइड में दिखाऊं तो, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग आपके लिए बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं। सो अगर आपको लगे कि किसी कंडीशन के लिए आपको फिजियोथेरेपिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए तो प्लीज कमेंट में मेंशन कीजिए, हम लोग ट्राई करेंगे अपना फिजियोथेरेपिस्ट व्यू देने के लिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।